हेलो स्टूडेंट्स आई एम योर साइंस टीचर होप यू ऑल आर फाइन नाउ वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर चैप्टर नाइंथ वाटर इन दिस चैप्टर वी शेल लर्न अबाउट वाटर सो वाटर इज अ वेरी प्रीशियस सोर्स डेट इज ऑबटेन्ड इन आवर प्लानट बच्चों वाटर हम सभी के लिए बहुत जरूरी होता है वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज वी कैन स्टडी इन दिस चैप्टर अबाउट वाटर नाउ लेट्स बिगिन द चैप्टर Chapter 9 Water, get a start. Name the activities that need water. Now you can write the activity names that need water. First is cooking, second is bathing, next is cleaning. Now let's read the chapter. Water is a precious gift of the nature it is the most essential element for life on earth we cannot live without water human beings need water to serve different requirements we need water for washing clothes taking baths watering plants cooking food etc plants and animals also need water to live plants need water for making food and staying green ना आप सभी को पता है बस जो वाटर एक प्रीशियस गिफ्ट होता है जो हमें नेचर से मिला है वाटर एक इजेंशल एलिमेंट है जो हमारे अर्थ पे हमें लिव करने में हेल्प करता है हम सब बच्चों सरवाइव नहीं कर पाएंगे अगर हमारे प्लानट पे वाटर नहीं होगा ह्यूमन बींग्स बच्चों डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वाटर का यूज़ करते हैं जैसे वॉशिंग क्लोथ कपड़े धोने में नहाने के लिए प्लांट्स को वाटर करने के लिए फूड को कुक करने के लिए उसी तरीके से बच्चों प्लांट्स और एनिमल्स को भी वाटर की ज़रूरत होती है प्लांट्स बच्चों वाटर की वजह से ही अपने फूड को प्रिपेयर कर पाते हैं

जहाँ से हम वाटर ले सकते हैं रेन हमारा मेन सोर्स है पानी का जो डिफरेंट वाटर बॉडीज को फिल करता है रिवर्स लेक हमारे होते हैं नाउ लुक एट रेन, बारिश का पानी रिवर नदियाँ लेक झील पॉन्ड तालाब ये सारे हमारे वाटर बॉडीज हैं वाटर सोर्सेज सी एन सीजिंग फैक्ट द रेन वाटर दैट रिमेन्स ऑन दर्फेस ऑफ कॉल्ड इस वाटर जो बारिश का पानी हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर रह जाता है उसे हम सरफेस वाटर कहते हैं सम रेन वाटर गोज डीप इन टू दी ग्राउंड एंड इज नोन एज ग्राउंड वाटर कुछ बारिश का पानी हमारा जमीन के अंदर चला जाता है उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं ग्राउंड वाटर इज टेकिंग आउट wells, वेल्स ट्यूब वेल्स एंड हैंडप एक्सेट्रा रेन वाटर ऑल्सो फिल अप लेक्स पोंड्स रिवर्स एक्सेट्रा ग्राउंड वाटर बच्चे हम कैसे निकालते हैं वेल्स की हेल्प से ट्यूब वेल्स की हेल्प से हैंड हैंडपम्प्स की हेल्प से और रेन वाटर अपने आप ही पोंडस रिवर्स लेक्स को फिल अप कर देते हैं नाउ स्टूडेंट्स लुक लुकेट दस वेल कुएँ ट्यूबवेल्स एंड हैंडप्स

वी कैन make मेक एन आर्टिफिशियल लेक building अ डैम ऑन अ रिवर आप सभी को पता है बच्चों पहाड़ों पे विंटर के समय विंटर सीजन में ठंड के मौसम में स्नो होती है बर्फ गिरती है और उसी समर सीजन में क्या होता है वो बर्फ पिघलने स्टार्ट होती है वाटर के फॉर्म में फिर वो पहाड़ों से पानी बहना स्टार्ट होता है स्ट्रीम्स रिवर्स और स्प्रिंग्स के फॉर्म में और बच्चों हम डैम्स और कैनाल्स बनाते हैं सरफेस वाटर के ऊपर जिसे हम आर्टिफिशियल लेक कहते हैं जो रिवर वाटर को कलेक्ट करने में हेल्प करता है अलॉट ऑफ वाटर इज प्रसिज आन ओशियंस दिस वाटर कंटेन्स मैनी इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग बच्चों बहुत सारा पानी जो है सी समुंद्र और महासमुंद्र में पाया जाता है मगर इस पानी को हम नहीं पी सकते ना ही यूज कर सकते बिकॉज इट इज सॉल्टी ये सलाइन वाटर होता है नमकीन पानी होता है इट इज़ नॉट यूज फॉर ड्रिंकिंग परपज नाउ कैन यू टेल वन क्वेश्चन

बच्चों पानी जो है हमें डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से मिलता है नदियों से झील से तालाब से जो हमारे पीने के लिए नहीं होता उसमें इंप्योरिटीज़ होती है जर्म्स बैक्टीरिया होते हैं जो उसे गंदा कर देते हैं और गंदा पानी पियेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे सिख हो जाएंगे इसलिए हमारे लिए जो पीने वाला पानी होता है जो पीने के लिए बिल्कुल फिट होता है उसे हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं हम कैसे अपने वाटर को सेफ़ बना सकते हैं उसे क्लीन कर सकते हैं इसके दो तरीके फर्स्ट वे इज़ बाय बॉयलिंग बॉयलिंग वाटर फॉर अबाउट ट्वेंटी मिनट कैल्स जर्म्स द बॉय वॉटर इज देन कूल्ड एंड यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड कूकिंग बच्चों पानी को उबाल सकते हो बीस मिनट तक इससे उसके जर्म सारे केल हो जाएंगे आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो पीने के लिए और कुकिंग के लिए नेक्स्ट वे इज बाय फिल्टरिंग वाटर फिल्टर्स रिमूव द इम्प्योरिटीज फ्राम द इम प्योर वाटर एंड मेक इट क्लीन एंड सेफ फॉर ड्रिंकिंग नाउ आर डेज पीपल यूज़ एक्वागार्ड आर ओ प्योरीफायर्स इक्स टू प्योरीफाई वाटर बच्चों जो वाटर फिल्टर्स होते हैं वो इम को रिमूव कर देते हैं आपके वाटर को बिल्कुल प्योर बना देते हैं क्लीन बना देते हैं जो आप पी सकते हो आजकल लोग घरों में एक्वागार्ड आर ओ प्योरीफाय इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे वाटर को क्लीन करने के लिए नाव नेक्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ वाटर वाटर एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म्स सॉलिड लिक्विड एंड गैस क्या आपको पता है वाटर की थ्री फॉर्म्स होती हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैस फर्स्ट आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ़ वाटर बर्फ बच्चों सॉलिड फॉर्म होती है पानी की वाटर इज द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर पानी जो हम पीते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होता है वाटर वेपर मीन्स स्टीम इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर जो भाप होती है वो पानी का गैसियस फॉर्म है नाउ वाटर कैन चेंज इट्स फॉर्म्स ऑन हीटिंग और कूलिंग इन दी फॉलोइंग वेज हम बच्चों पानी के फॉर्म को चेंज कर सकते हैं वो हम कैसे चेंज कर सकते हैं उसके वेज हैं फर्स्ट इज इवोप्रेशन द चेंज ऑफ वाटर इंटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवोपरेशन बच्चों पानी को आप गैसियस फॉर्म में बदल सकते हैं लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कैसे अगर पानी को बॉइल करेंगे तो सारा पानी वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा गर्म करने पे उसी को प्रोसेस को हम इवोपरेशन कहते हैं नेक्स्ट इज कंडेंसेशन द चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन भाप से दोबारा पानी बनना गैसियस फॉर्म से दोबारा लिक्विड फॉर्म में आना उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं आफ्टर कूलिंग ठंडा होने पे नेक्स्ट फ्रीजिंग द चेंज ऑफ वाटर इंटू आइस ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग अगर हम पानी को जमा देंगे कूल कर देंगे तो वो आइस फॉर्म में हो जाएगा मतलब लिक्विड टू सॉलिड चेंज हो रहा है इट इज कॉल्ड फ्रीजिंग द चेंज ऑफ आइज इंटू वाटर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग बर्फ को आप गर्म करेंगे पिघल जाएगी वो वापस से लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे मीन्स सॉलिड टू लिक्विड इट इज कॉल्ड मेल्टिंग नाउ नेट्स बिकम अ चैम्प नेम थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर एंड हियर थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर कौन कौन से होते हैं बच्चों हमारे सॉलिड इट मींस आइस हमारा लिक्विड दैट इज वाटर एंड गैसियस दैट इज स्टीम नाउ लेट्स सी द टॉपिक वाटर साइकिल

तो हमारे वाटर बॉडीज के सोर्सेज पे पड़ती हैं समुद्र के पानी पे नदियों के पानी पे जब सन की रेस जाती हैं तो वो पानी इवोप्रेट होना स्टार्ट होता है वो लिक्विड फॉर्म से गैसेस फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाता है फिर वो जैसे ही गैसेस फॉर्म में आता है वो हमारे एयर में मिक्सअप हो जाता है और जहाँ पे हमारा जो वाटर वेपर है धीरे धीरे ऊपर जाके वो कूल होना स्टार्ट होता है कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाता है जैसे ही वो कूल होना स्टार्ट होता है वापस से गैसिस फॉर्म लिक्विड स्टेट में आता है डेट इज कॉल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स एंड उसको हम क्या कहते हैं क्लाउड्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है फिर दीज ड्रॉपलेट्स गेट कलेक्टेड इन टू क्लाउड्स एंड फॉर्म बिग ड्रॉपलेट्स दीज ड्रॉपलेट्स बिकम वेरी हैवी एंड फॉल डाउन ऑन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन रेन वाटर फ्लोज बैक इन टू रिवर्स ओशंस लेक्स एंड सीज़. अगेन इट हीट्स अप एंड गोज इन टू एयर टू फॉर्म क्लाउड्स दीज क्लाउड्स ब्रिंग रेन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर साइक्लिंग फिर हमारे क्लाउड्स फॉर्मेशन हो गए फिर जब क्लाउड्स में हीवी वाटर वेपर की ड्रॉपलेट्स कलेक्ट हो जाती है कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाता है फिर उसके बाद वो क्लाउड्स क्या करते हैं रेनफॉल करते हैं बारिश होने लगती है प्रेसिपिटेशन जिसे हम कहते हैं बारिश का जो पानी होता है वापस से हमारे वाटर बॉडीज़ में कलेक्ट हो जाता है और हमारा सारा पानी दोबारा से रिस्टोर हो जाता है फिर दोबारा से जब सन की रेस पड़ती है वो वापस से दोबारा इवोपरेट होता है फिर दोबारा से क्लाउड्स फॉर्म होते हैं फिर दोबारा से बारिश होती है तो ये हमारी साइकिल चलती रहती है अकॉर्डिंग टू द हीटिंग एंड कूलिंग इफेक्ट उसे हम क्या कहते हैं वाटर इमेज नाउ स्टूडेंट्स इस इमेज में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कलेक्शन ऑफ वॉटर होता है फिर उसके बाद जब सन की रेजेजर पड़ती है तो हमारा वॉटर इवोपरेट होता है नेक्स्ट फिर हमारे क्लाउड फॉर्मेशन होते हैं विद द हेल्प ऑफ कंडेशन फिर उसके बाद जब रेनफॉल होती है नाउ कैन यू टेल वन क्वेश्चन वाटर इज इन द एटमोसफियर फॉल्स डाउन टू अर्थ इन मैनीफॉर्म्स कैन यू नेम एनी थ्री ऑफ द बच्चों आपको पता है वाटर जो है हमारे अर्थ पे थ्री फॉर्म्स में फॉल होता है तो आप उन फॉर्म्स के नेम बता सकते हैं हम जैसे कह सकते हैं वाटर स्नो के स्नो के फॉर्म में फॉल होता है बर्फ गिरती है स्लीट एंड हेल ये हमारे वाटर के फॉर्म्स होते हैं जो फॉल होते हैं हमारी अर्थ पे नाउ हाउ कैन वी सेव वाटर वाटर इज स्प्रीशियस एंड शुड नॉट बी वेस्टेड एज द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर इज लिमिटेड ऑन अर्थ वी कैन सेव वाटर इन मैनी वेज Some of them are, बच्चों वाटर जो है बहुत प्रीशियस होता है बहुत कीमती होता है हमें पानी को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए हमारे अर्थ पे जो फ्रेश वाटर है वो बहुत कम परसेंट में अवेलेबल है हम कैसे इस पानी को सेव कर सकते हैं उसके कुछ वेस्ट आपको दे रखे नाउ लुक एट दी फर्स्ट पॉइंट टर्न दी टाप्स ऑफ आफ्टर यूजिंग दैम बच्चों अगर आप पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप अपने टाप्स को ऑफ रखेंगे यूज अ बकेट एंड मक टू बा शावर बच्चों आप बकेट और मग का इस्तेमाल कर सकते हैं नहाने के लिए इंस्टेड ऑफ़ शावर वाटर यूज टू वॉश वेजिटेबल्स फ्रूट्स ग्रेन्स एक्सेट्रा कैन बी यूज टू वाटर दी प्लांट्स बच्चों जिस पानी से आप वेजिटेबल्स फ्रूट्स वॉश करते हो उस पानी को आप वाटर को प्लाट्स को वाटर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो आप ऐसे वेस्ट मत करिए नेक्स्ट एनी लीकेज इन दी पाइपलाइंस और टैप्स शुड बी इमीजिएटली रिपेयर कोई भी लीकेज हो रही है टैप्स में पाइपलाइंस में उसे हमें इमीडिएटली रिपेयर करनी चाहिए स्टोर इन वाटर इन टैंक्स ड्रम्स बकेट्स एक्सेट्रा एंड यूज इट फॉर वॉशिंग एंड वाटरिंग प्लांट्स बच्चों हमारा जो बारिश का पानी है हम उसे स्टोर करके रख सकते हैं टैंक्स में ड्रम्स में बकेट्स में और उस पानी को हम वॉश करने के लिए फ्लोर्स को क्लीन करने के लिए प्लांट्स को वाटर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं

डर्टी एंड डेंजरस पॉल्यूट का मींस होता है किसी भी चीज का गंदा होना या डेंजरस होना जो हमारे लिए इल है जो हमारे लिए इफेक्टेड है नाउ लेट्स लुक इन अर्ट शेल फर्स्ट पॉइंट वाटर इज द मोस्ट इजेंशियल एलिमेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ पानी जो है बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे अर्थ का जिसके थ्रू हम सर्वाइव कर पा रहे हैं रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ बारिश जो है मेन सोर्स है पानी का अर्थ पे आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर बर्फ जो है सॉलिड फॉर्म होती है पानी की ड्रिंकिंग डर्टी वाटर कैन मेक अ सिक अगर हम गंदा पानी पियेंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं वाटर कीप्स चेंजिंग इट्स फॉर्म इन नेचर पानी जो है नेचर के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म्स को चेंज करता रहता है नाउ इट्स एक्सरसाइज टाइम लेट्स टू एक्सरसाइज ए टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन नाउ यू कैन रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द राइट वन फर्स्ट We cannot live without water. B is the right answer. Water is present in mountains as a snow. B is the right answer. It is the main source of water. Rain. B is the right answer. The rain water that goes deep into the ground is known as groundwater. B is the right answer. Next, drinking dirty water can make us sick. A is the right answer. Now students, let's do exercise B. Fill in the blanks. Now you can fill up the blank space. First is dish is the main source of water on earth. पानी का मेन सोर्स क्या है अर्थ पे रेन नाउ नेक्स्ट इज डिश डॉटर फॉर अबाउट ट्वेंटी मिनट बॉइलिंग वॉटर अगर हम पानी को उबालेंगे तो उसके जर्म्स किल हो जाते हैं वॉटर एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म्स सॉलिड लिक्विड एंड कैसियस Water is the dash form of water, liquid form of water. Dash is the gaseous form of water, is T. Now let's do exercise C. Write T for true and F for false statement. You can read this statement and identify true and false one. First, C water is safe for drink. sea water ko P sakte ke Pani ko. No, it is saline water, so it is false. We can get clean water by boiling. Yes, it is true. एट होम्स वी कैन वाटर थ्रू टाप्स येस इट इज ट्रू वी शुड नॉट वेस्ट वाटर हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए येस इट इज़ ट्रू वॉटर एग्जिस्ट इन फोर फार्म नो थ्री फार्म सो इट इज़ फॉल्स नाउ रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज यू विल डू योर सेल्फ आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर थैंक यू एंड हैवे नाई स्टे